तो स्त्री टू मूवी का फाइनली एक अच्छे क्वालिटी में टीजर आ चुका है यानी कि आपको पता होगा कि जो मुझे मूवी हाल ही में आई है जो अभी भी थिएटर में चल रही है बाय द वे तो उसके एंड क्रेडिट सीन में मतलब उसके प्रिंट के एंड में उन्होंने उसका टीजर अटैच कर दिया है लेकिन एनी वेज जो अभी अच्छा क्वालिटी में टीजर आया है बाय द वे अभी तक यूट्यूब पर नहीं आया है मे बी एनी उसके बारे में बात करेंगे उसको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चल रही है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने पहले की मूवी में देखा था कि भाई स्त्री हमारी जो मेन विलन है हमारी जो मेन भूत है वो है लेकिन इस मूवी में शायद से स्त्री एक एंटी हीरो भी बन जाती है और एक बड़े से विलन से फाइट करती है काफी इंटरेस्टिंग चीजें है और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के भी बारे में हम बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं पहले शॉट के साथ ही अब पहले शॉट के साथ ही हम देख सकते हैं कि स्त्री की एक बड़ी सी मूर्ति बना दी है और उस मूर्ति को इनफैक्ट लोग पूज भी रहे हैं सीन में हम देख सकते हैं कि ये आदमी दूध और पानी का जो मिक्सर होता है वो चढ़ा रहा है स्त्री के मूर्ति को यानी कि दे आर ऑल रिस्पेक्टिंग स्त्री और यही एक स्त्री की आखिरी इच्छा में से मतलब उसकी दो आखिरी इच्छा ही थी जैसे कि हमने पिछले मूवी में देखा था कि स्त्री के बस दो आखिरी बातें पहले थी शी वॉन्ट्स टू बी लव और दूसरी थी शी वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड और यहाँ पे डेफिनेटली वी कैन सी दैट दे आर रिस्पेक्टिंग हर लेकिन आगे हम देखते हैं कि श्री का खौफ अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इस सीन में हम देख सकते हैं कि एक लड़के को उठाया गया है यानी कि एक आदमी को उठाया गया है एंड ऑब्वियसली स्त्री ही होगी नॉट ऑब्वियसली देखेंगे इसके बारे में आगे जाके लेकिन यहाँ पे हम पहला इंस्टेंस देख सकते हैं कि जहाँ पे एक लड़के को उठाया गया है लेकिन आगे हम जितने भी इंस्टेंसेस देखते हैं हर जगह पे किसी लड़की को ही उठाया गया है और हमने तो पता है कि स्त्री जो है वो लड़कियों को उठाते नहीं है बस लड़कों को उठाती है लेकिन यहाँ पे लड़कियों को भी उठाया जा रहा है और इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे फिर अभी लोग किडनेप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एक और बार जो सर्च पार्टी वगैरह है हमारे मेन मेन कैरेक्टर्स के और गाँव वासियों की वो फिर से निकल गई है और निकलते निकलते उन एक क्लू भी मिलता है लेकिन वो क्या हो सकता है तो शायद से ये हमारा जो फोटो है तो इसके रिलेटेड वो कोई क्लू हो सकता है क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं कि पंकज त्रिपाठी को एक बुक में मिलता है कि एक आदमी है जिसका हेड नहीं है मतलब सरकटा आदमी है तो प्रॉबेबली हमारा यही विलन हो सकता है इस मूवी का फॉर एग्जाम्पल अभी देखो पिछले मूवी में कैसा था कि स्त्री थी स्त्री की आखिर चा पूरी नहीं हुई थी तो इसके वजह से वो हर मर्दों के पीछे चली गई थी लेकिन अब भी यहाँ पे एक आदमी है और आदमी में भी उसके शादी से पहले उसका सिर कट गया होगा तो इसीलिए वो औरतों के पीछे भाग रहा होगा तो मतलब काफी स्ट्रीम सी काफी सिंपल सी स्टोरी बनती है बट मे बी दैट कुड बी द केस और रही बात क्यों एक आदमी को गायब किया गया था पहले के शॉर्ट में तो शायद से ये पिछले मूवी का कोई फ्लैश हो सकता है यानी यानी कि कोई नए कैरेक्टर को कोई पिछले वाली मूवी की स्टोरी बता रहा होगा जिसका वजह से वो हमें देखने को मिला या फिर ऑन अदर हैंड स्त्री अभी भी कंटेंट नहीं है स्त्री अभी भी लोगों के पीछे है लेकिन यार वो तो थो थोड़ा सा है क्योंकि पिछले मूवी में हमने देखा था कि स्त्री के जितने भी सारे शक्तियां थे वो उसके ब्रेड में थी वो उसके बालों में थी उसकी चोटी में थे इनफैक्ट उस चोटी को काट दिया गया था तो सपोजिटली उसके सारे पावर्स तो निकल जाने चाहिए थे लेकिन आई डोंट थिंक सो गए सारे पावर्स चले गए हो क्योंकि एक सीन में क्योंकि ट्रेलर के आखिरी सीन में हम डेफिनेटली देखते हैं कि हमारा जो विक्की है वो फिर से जाता है स्त्री के पास पूरी जो स्टोरी है बाल काटने वाली वो उसको नरेट करता है और बोलता है कि यार मतलब वो बेसिकली वो उसे मदद मांगने ही गया होगा और वो मदद मांगने का जो सीन है प्रॉबली मूवी के इंटरवल के अराउंड हो सकता है क्योंकि तब तक उन्हें पता चल गया होगा कि यार ये कोई आदमी है जिसका सर नहीं है वो सबके पीछे पड़ा है तो यार बूथ को तो कौन भगाएगा बूथ ही भगाएगा

They are absolutely possessed लेकिन अभी इन सबको किसने पोजेस्ट किया है दैट इज गोइंग टू बी डिबेटेबल क्या वो सर्कट आदमी ने पोजेस्ट किया है या हमारे स्त्री ने पोजेस्ट किया है दैट इज गोइंग टू टू बी इंटरेस्टिंग सी या फिर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर ने प्रोजेस्ट किया है और इन्हीं सारे पोजेस्ट आदमियों को हम काफी बार देख सकते हैं यानी कि यहाँ पे जब वो जा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं फिर मंदिर में देख सकते हैं जब वो आरती कर रहे हैं तो काफी सारे इंस्टेंसेस पे हम उन्हें देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो बाकी है वो श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में है श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर हमें पता है कि कीज ऑल्सो सुपर नेचरल कैरेक्टर क्योंकि पिछले मूवी के में हमने देखा था कि वो टोटली totally पीछे थी स्त्री के पावर के मतलब उसके स्त्री के चोटी के पीछे थी जब उसको वो चोटी मिल गई तो उसने वो चोटी उसके चोटी में डाल दी मतलब जो भी किया लेकिन डेफिनेटली शी इज़ हंटिंग पावर्स लेकिन अभी वो क्यों इस गाँव में फिर से आ गई है अब उसके ऑब्वियसली फिर से कुछ पर्सनल मोटिव्स हो सकते हैं पर्सनल रीजन हो सकते हैं बेसिकली टू गेट द पावर्स ऑफ एनी घोस्ट जो सारे रिमेनिंग है या फिर यहाँ पे वो प्रॉपर से हमारे जो विकी वगैरह सारे लोग हैं उन सबको शायद मदद करने के लिए आई होगी विद हर पावर ऑफ द ब्रेड मे बी तो बस इतनी सारी चीजें मुझे नोटिस हो होगी प्लीज तुम्हें और भी कुछ चीजें नोटिस होगी तो डेफिनेटली नीचे जाओ कॉमेंट्स में और मुझे प्लीज बताओ आई वुड रियली हैव टू हैव अ ग्रेट चैट विथ यू ऑल और अभी परसों ही कल की मूवी आने वाली है तो कल की मूवी के बारे में मैंने कई सारे वीडियो बना के रखे हैं उनको अभी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो मिर्जापुर के बारे में वीडियो बनाए उनको रिकॉर्ड कर सकते हो एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग